अब आता है स्टोरी टाइम, अब आता है स्टोरी टाइम। क्लास में कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सके। जब ये सब बच्चे सुनते हैं ना, थोड़े भावुक हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं। उन्होंने जमीन सर, उन्होंने एक हिस्सा क्या किया सर, गिरवी रखा है, गिरवी। सर हमने आपसे वादा किया था कि एक दिन यूरोप टूर पर जाएंगे अपने मम्मी बाबू जी को लेकर। मैंने कहा हाँ, तो सर मैं एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूं और आज हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं। अब आता है स्टोरी टाइम, अब आता है स्टोरी टाइम। एक छोटी सी बात बताता हूं, मतलब हो गए यार 5-7 साल हो गए होंगे, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। ऑफलाइन क्लास ले रहा था कोटा में, बंसर क्लासेस में। तो क्लास लेकर बाहर हम सर क्या करते हैं, जैसे आपको मोटिवेट करते हैं ना, ऐसे हर क्लास में कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो ऐसे ही मैंने क्लास में कुछ बच्चों को मोटिवेट किया, बताया कि बेटा तुम्हें ज़िंदगी में क्या क्या करना है, तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या करना चाह रहे हो, क्या क्या तुम्हारे सपने हैं, उन सपनों को साकार करोगे। और देखो बेटा तुम नहीं पढ़ते हो, कितनी ज़्यादा गलतियां की हैं तुमने अभी तक। तो जब ये सब बच्चे सुनते हैं ना, थोड़े भावुक हो जाते हैं, कुछ बच्चे तो रोने भी लग जाते हैं, कुछ बच्चे तो क्लास में बैठकर रोने भी लग जाते हैं। और ये मैं बात किसी कर रहा हूँ ड्रॉपर्स की, ड्रॉपर बैच की बात कर रहा हूँ, जो 12th के बाद IIT का एक एग्जाम दे चुके हैं और उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई नहीं किए। ऐसे बच्चों को भी लगता है कि हाँ सर गलती तो हो गई है, हमसे मिस्टेक हो गई, तो वो भी रो पड़ते हैं जब वो अपनी मिस्टेक्स को याद करते हैं। और फिर उनको भी लगता है कि सर आपकी बात अगर हमने मानी होती तो शायद आज हम IIT में होते, तो शायद हम आज IIT में होते। तो ऐसे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं कई बार थोड़े भावुक हो जाते हैं, तो कई बार वो बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ सर बोल तो सही रहे हैं, सर गलत नहीं बोल रहे, सर बोल तो सही रहे हैं, हमारे फायदे की ही बात बोल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एक बार क्लास में, जिसे हम कहते हैं ड्रॉपर बैच की क्लास में, लेक्चर दिया और बाहर आया। तो लेक्चर देने के बाद एक लड़का मेरे पास आया, तो मैंने बोला हाँ भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। बोला नहीं सर कोई डाउट नहीं है, आज आपने जो जो बातें बताई सर, ये सब बातें हमने सुनी और देखी है ना, बातें सुनी और देखी। हाँ सर हमने ये बातें सुनी और देखी, और सर यह है जब हमने सुना सर, ये जब हमने सुना ना सर, हमें बहुत दुख हुआ सर, हमारे पापा किसान है सर, और उन्होंने अपने खेत का एक हिस्सा, वो पता नहीं क्या बिहार में गट्ठा वट्ठा कुछ ऐसा बोल रहा सर, एक गट्ठा उन्होंने जमीन सर, उन्होंने एक हिस्सा क्या किया सर, गिरवी रखा और फिर गिरवी रखा, और सर फिर उन्होंने हमें यहां भेजा, ठीक है ना। हाँ सर फिर उन्होंने हमें यहां भेजा, लेकिन सर हम आपसे वादा करते हैं, सर हम आपसे वादा करते हैं कि आपने हमारी आंखें खोली, आज हमसे वादा करते हैं हम आपसे कि हम एक दिन IIT जाएंगे जरूर, जो गलती हो गई सर हो गई, लेकिन अब वो गलतियां नहीं दोहराएंगे, एक दिन IIT जाएंगे जरूर, अपने मम्मी पापा को हम यूरोप टूर पर जरूर लेकर जाएंगे, हम यूरोप टूर पर जरूर लेकर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं ना, 21 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो देखते हैं बच्चों को जब मोटिवेट करते हैं ना, तो उनमें क्षणिक मोटिवेशन जगता कि नहीं आज तो कर देंगे, आज तो फोड़ देंगे, सही कह रहे हैं सर, मम्मी पापा की कसम आज तो करना ही करना है। तो हमें लगा ठीक है यार, ऐसा बच्चा है तो सुन लिया होगा उसने, ऐसा बच्चा है थोड़ा उसे लग गया होगा, उसे लगा होगा। तो जब हम ऐसा बच्चा होता है तो हम सीधा सीधा उसे कहते हैं कि ठीक है बेटा तुम करो, हम इंतजार करेंगे उस दिन का कि जिस दिन तुम अपनी मम्मी पापा को यूरोप टूर पे ले जाओगे सर, उस दिन हम आपको फोन जरूर करेंगे। मैंने बिल्कुल करना यार, हम तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। हमारे मन में ये रहता है क्षणिक थोड़ा सा समय का बुलबुला है, थोड़े समय बाद फूट जाएगा, हम इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं, 99% बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उन्हें मोटिवेट करते तो उन्हें लगता है कुछ करना है जिंदगी में, और जब मोटिवेट नहीं करते हैं तो फिर वो सुनते नहीं है। हाँ ज्यादातर बच्चा ऐसे होता है। ठीक है हमने कह दिया, भूल गए, साल बीत गया, IIT एग्जाम हो गया, हमें पता भी नहीं कि वो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, खत्म हो गया काम, अगला बैच आ गया। ऐसे करते करते 5-6 साल बीत गए, 5 साल के करीब बीत गए। फिर एक दिन फोन आया मेरे मोबाइल नंबर पर, पता नहीं कहां से उसको मेरा नंबर मिला, उसने फोन किया, हेलो सर आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले ड्रॉपर में मैं पढ़ता था, उसने मेरा बैच बताया, और सर आपको याद होगा मैं क्लास के बाहर मिला था। मैंने याद किया, हाँ कुछ कुछ याद तो आ रहा है कि सर हमने आपसे वादा किया था कि एक दिन यूरोप टूर पर जाएंगे अपने मम्मी बाबू जी को लेकर। मैंने कहा हाँ, तो सर मैं एयरपोर्ट से ही बोल रहा हूँ और आज हम यूरोप टूर पर जा रहे हैं, सर मैंने अपना वादा निभाया आपसे किया हुआ, आज मैंने अपना पूरा का पूरा वायदा निभाया सर, पूरा वायदा निभाया, और आज मैं उन दोनों को लेकर यूरोप टूर जा रहा हूँ। हमारे मम्मी पापा कभी भी ढंग से AC कार तो छोड़ो सर, AC हमारे वो ट्रेन में भी नहीं बैठे थे सर, आज हम उन्हें लेकर यूरोप जा रहे हैं। तो भाई ये जब स्टोरी, यह जो बात होती है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में जो वादा करते हैं टीचर के साथ वो निभाते हैं, लेकिन बाकी लोग इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं।
इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। तो ध्यान रखें, मुश्किलें सबके सामने हैं, मुश्किलें सबके सामने हैं, मुश्किल हर किसी को लगता है, लेकिन इस मुश्किलों का सामना करके कोई निखर जाएगा और इन मुश्किलों का सामना करते करते कोई बिखर जाएगा। तो आपको बिखरना नहीं है, निखरना है। आपको वहां नहीं रहना है जहां आप हो, आपको वहां से ऊंचा उठना है। आप जिस परिस्थिति में हो, आप जैसे हो, आपको इससे बेहतर बनना है। आपको रोज अपने आप को लगातार तराशना है और अपने में से एक आईआईटीएन तराश कर बाहर निकालना है। तो दिन रात अपने ऊपर मेहनत रूपी छेनी और हथौड़ा चलाते रहो, दिन रात अपने ऊपर मेहनत रूपी छेनी और हथौड़ा चलाते रहो और उस मूर्ति में बदल जाओ जो तुम बनना चाहते हो, जो चाहते हो।